हेलो गाइस, मैं सूरज राज और आज आपके नए वीडियो के साथ आए दोस्तों। और आज हम आपको बताने वाले देखिए, आज का तो हमने पेपर लीक कराया था, आपको पता ही होगा कि 2020 में जो आने वाले क्वेश्चन दिए थे और पेपर जो लीक हुआ था वो देख लो पेपर। जी हाँ, जो क्वेश्चन बताए थे तो याद रखना, जो पेपर लीक हुआ था वो पूरा पेपर लीक हो चुका है, आप जैसे थंबनेल में देख चुके होंगे। और मैं आज आपको देखिए, जो 19 क्वेश्चन दिए थे, केवल 19 क्वेश्चन दिए थे 2020 में आने वाले, आपको तो पता ही होगा। आपको पता होगा, वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दे रूंगा, सबसे पहला लिंक होगा उस पर टच कर लेना और वो पहले देखना वीडियो, या फिर ये वाला पेपर देख लो, उस वीडियो को कंपेयर कर लेना। उस वीडियो में, इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो सेम टू सेम क्वेश्चन आए, और मैंने कहा था कि आपको 85% प्लस आएगा। यार 85% क्या, 85% प्लस आ गया, बिल्कुल जो कहा बिल्कुल वो। तो यार अभी तक हमारे YouTube चैनल पेपर हैकर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, चाहे बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए हैं वो याद कर ले। जी हाँ, अवध यूनिवर्सिटी के जितने भी हैं, फैजाबाद यूनिवर्सिटी, अयोध्या की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए, अभी जो पेपर की बात कर रहा हूं वो हुआ है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी से, छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी से, कानपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, रोहतक यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी है, यदि आपका सिलेबस में हमारे जो क्वेश्चन मिल रहे हैं तो याद रखना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले, वहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं हम आपको। तो चलो देख लेते हैं इस पेपर को, पहले देखते हैं फिजिक्स का फर्स्ट पेपर, हमारे पास किसी ने पीडीएफ सेंड की है। यदि आपका जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, किसी का भी पेपर हुआ है, भी केमिस्ट्री का भी हुआ है, तो हमें यार हमारे जो व्हाट्सअप नंबर 7037327 डिस्कशन में हमारा नंबर है व्हाट्सअप नंबर, उस पर पीडीएफ को भेज दीजिए, हम आपको कंपेयर करके दिखाते हैं कितने क्वेश्चन बिल्कुल जो बताए वो सारे के सारे आए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चनों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पहले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, 3 घंटे पे सोल्व करने के लिए पूछा गया था। और आपका जो क्वेश्चन है वो है देखिए ऑप्टिकल और लेयर्स, मतलब जी हाँ पहला जो फिजिकल ऑप्टिकल है और लेयर्स है। अब देख लेते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, सेक्शन ए में पहुंच जाते हैं। सेक्शन ए का जो होता है वेरी शॉर्ट आंसर, जिसे अति लघु उत्तरी प्रश्न कहा जाता है हिंदी में। और ये मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको जो आंसर की बात की जाती है तो 50 वर्ड में आपका आंसर देना पड़ता है। जी हाँ, 50 वर्ड में आपको, और यहाँ कहा जा रहा है कि आपको आल क्वेश्चन के आप करेक्ट आंसर देना पड़ेगा, एक नंबर का एक आंसर है, और साथ में आपके 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको देख लेते हैं। अब 10 क्वेश्चन में देखते हैं, 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अभी फंसे अति लघु उत्तरी प्रश्न बात करने वाला हूँ। देखिए केवल 19 क्वेश्चन दिए मैंने, अब देखो यहाँ कंपेयर करिए अच्छी तरीके से, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का राइट आंसर बताने वाला हूँ और कौन सा क्वेश्चन हमने बताया वो आया। देखिए ये है, देखिए प्रकाश का द्विध्रुवीकरण, जी हाँ प्रकाश का द्विध्रुवीकरण की परिभाषा, लेकिन हमने इसके जगह पे आपको क्या दिया था, देखिए हम कंपेयर करेंगे, आपको जो दिया था वो हम बिल्कुल राइट बताएंगे। हमने इसके जगह पे प्रकाश के द्विध्रुवीय के जगह पे, द्विध्रुवीकरण के जगह पे हमने दिया था व्यतिकरण, ठीक है ना, व्यतिकरण दिया था। देखिए प्रकाश का व्यतिकरण दिया था लेकिन हमने द्विध्रुव नहीं दिया था, तो ये आंसर बिल्कुल राइट, हमने ये क्वेश्चन नहीं दिया था। ओके, गलत है तो बिल्कुल, देखिए जो हमारे द्वारा बता हुआ नहीं है तो नहीं है, क्योंकि हमने वहां बताया था व्यतिकरण और यहाँ आया है ध्रुवीकरण, तो काफी डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नहीं फंसा, कोई बात नहीं। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, एक एक ऐसा तो नहीं हमने जो मतलब कि 25 से क्वेश्चन 30 आते हैं जो हमके एग्जाम में वो सारे के सारे, देखिए हमने 85% का वादा किया, 85% ले लो हमसे, पेपर लीक हुआ था पूरा देख लो, पूरा पेपर लीक हुआ था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन होता प्रकाश, जो प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता, जी हाँ आप हमारी वीडियो में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो क्वेश्चन मिलेगा प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता, ये क्वेश्चन फंस गया, ये क्वेश्चन पूरा आया एग्जाम में जो कहा था बिल्कुल वैसे ही आया, परिभाषा समझा दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देख लेना, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट को क्लियर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, जहां हमने कुछ दिन पहले उस वीडियो को बनाया है, कुछ दिन पहले 2020 में आने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना।